घरेलू उपचार उड़सों के जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। आज हम ऐसे पोषक तत्वों की बात करेंगे जिनकी कमी के कारण हम समय से पहले ही बूढ़े हो रहे हैं, हमारी उम्र बहुत कम हो रही है। अगर दोस्तों आपके शरीर में इन चार पोषक तत्वों की यानी चार विटामिन्स की कमी है तो आप समय से पहले ही बूढ़े हो जा रहे हैं और साथ ही आपको कई तरह की बीमारियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। आज के दौर में ये बात हम सभी जानते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी मशीन की तरह काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से देर रात तक जागना और काम करते रहना, जिसकी वजह से तनाव होता है और तनाव को दूर करने के लिए हम धूम्रपान, शराब या बियर पीने जैसी बुरी आदत डाल लेते हैं, जो पुरुषों के स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। 30 की उम्र तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन 40 के होने के बाद ही हमारे शरीर में तेज़ी से गिरावट आने लगती है और हम तेज़ी से बूढ़े होने लगते हैं। इसलिए हमारे शरीर में ये चार विटामिन्स कभी भी कम नहीं होने चाहिए। दोस्तों, यदि हमारे शरीर में ये चार विटामिन कम हो जाते हैं तो हमें बीमारियां भी चारों तरफ से घेर लेती हैं। और पहला है विटामिन डी। विटामिन डी पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है और अगर पुरुषों के शरीर में इस हार्मोन का लेवल कम रहता है तो आपको थकान, हमेशा सोने के लिए दिल करना और खाना पचाने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाना, भूख ना लगना, पेट में हमेशा कब्ज बने रहना, ये सारी बीमारियां आपके शरीर में पैदा हो जाती हैं। विटामिन डी आप बिल्कुल फ्री में बिना पैसे खर्च किए भी ले सकते हैं। सुबह आप बाहर निकलें, धूप में टहलें तो विटामिन डी खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। विटामिन डी का लेवल यदि आपके शरीर में ठीक रहेगा तो आप कोरोनरी रोगों से बच सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है और ये आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। दूसरा है मैग्नीशियम। अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो हम आपको बता दें कि अधिक कैफीन का सेवन और तनाव आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी का कारण बन सकता है। अगर आप शरीर में मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ये आपकी मांसपेशियों को ताकत देगा और सुधार करेगा और हृदय रोग और डायबिटीज से आपकी सुरक्षा करेगा। सप्लीमेंट लेने का यदि आपका मन नहीं है तो आप पालक, कद्दू के बीज, बादाम और एवोकाडो जैसे मैग्नीशियम से भरपूर भोजन भी सेवन कर सकते हैं। तीसरा है जिंक। शरीर में टेस्टोस्टेरोन के निर्माण में जिंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बन सकती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है शरीर में जिंक की कमी बढ़ने लगती है, इसलिए सप्लीमेंट लेना बेहद फायदेमंद होता है। जिंक प्रोस्टेट को हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद करता है और इम्यूनिटी और सेल के रेड मीट, पोल्ट्री, बेक्ड बीन्स, छोले और नट्स, ये सभी जिंक के अच्छे स्रोत हैं। आप इनका सेवन भी कर सकते हैं यदि आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते। और चौथा है विटामिन B6। विटामिन B6 हीमोग्लोबिन के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शरीर में एनीमिया जैसी घातक स्थिति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होता है। शरीर में खून की कमी आपको ऊर्जाहीन और कमज़ोर और थका हुआ महसूस करा सकती है, इसलिए तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में और इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। विटामिन B6 ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, ये चार विटामिन हैं जिसकी कमी हमारे शरीर में कभी भी नहीं होनी चाहिए और यदि कमी आती है तो हम समय से पहले ही बूढ़ा होने लगते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे घरेलू उपचार और सुखी जीवन। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें।